तो पहला फॉर्मूला पढ़ने वाला है ना, फॉर्मूला यूज्ड इन डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में जो फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे उनके बारे में बात करने वाले हैं, है ना। पहला फॉर्मूला आता है ना, पहला फॉर्मूला आता है डी बाई डी टी टी एन टी की पावर एन। ये तो समझ आ ही रहा है ना। अच्छा ये क्या पता नहीं क्या हो गया, है ना, कि एन टी एन माइनस वन, है ना। देखो जरा समझो। अच्छा ये क्या लिख दिया ना, ये टी क्या है, ये डी टी क्या है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या लिख दिया है ना। जरा सुनो इसको ना, एक बार समझ लो इसको थोड़ा सा, है ना। मान लो मैं ये लिख देता हूँ वाई इज इक्वल टू टू एक्स, वाई इज इक्वल टू टू एक्स लिख देता हूँ, है ना, वाई इज इक्वल टू टू एक्स। अच्छा तो अगर मैं एक्स चेंज करूंगा तो वाई चेंज होगा क्या, एक्स चेंज करूंगा तो वाई चेंज होगा, होगा नहीं होगा, है ना, होगा बिल्कुल होगा, है ना। तो अगर मैं एक्स चेंज एक्स को चेंज करूंगा तो वाई भी चेंज होगा, है ना। अगर तो ऐसे लिखते हैं ना डी एक्स ओवर डी वाई, मतलब डी एक्स और डी एक्स नहीं है ये, है ना, ये है डेल एक्स, डेल एक्स और डेल वाई, है ना। डेल एक्स क्या हो जाएगा, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, चेंज इन सॉरी चेंज इन वाई, है ना। डेल एक्स क्या हो जाएगा, चेंज इन एक्स, सिंपल, है ना। डेल एक्स हो जाएगा चेंज इन एक्स और डेल वाई हो जाएगा चेंज इन वाई, सिंपल सी बात है ना। तो ये है चेंज, ये है चेंज, है ना। डेल 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 बोलते हैं चेंज को, ये होता है चेंज, है ना। और अगर डेल बहुत छोटा हो जाए, है ना, चेंज बहुत छोटा हो, चेंज अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं इससे, डी से। अगर ये बहुत छोटा हो जाए, है ना, बहुत स्मॉल हो जाए, तो डेल की जगह हम क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। और डी ही होता है हमारा डिफरेंशियल, है ना, बहुत स्मॉल चेंज ऑफ, है ना। तो ऐसे देख सकते हो डी एक्स ओवर डी वाई, ओवर क्या होता है ना, ओवर को और कुछ नहीं होता ना। डी एक्स क्या हो जाएगा, वेरी 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 स्मॉल स्मॉल चेंज इन एक्स, है ना, ये डी एक्स लिखा है ना। डी एक्स क्या हो जाएगा, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन एक्स। डी वाई क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन वाई, वाई में बहुत छोटे छोटे चेंज, है ना। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है ना। समझ में आ रही बात है, ये समझ में आ रही बात है ना। तो ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, ये चेंज, ये होता है बहुत छोटा चेंज, है ना, ये होता है ना इनफाइनेटली स्मॉल चेंज, है ना, इनफाइनेटली स्मॉल चेंज डी, है ना। तो मैंने आपको बता दिया जब चेंज होगा तो ऐसे लिखी है मैं ना, जैसे मान लो किसी की स्पीड चल रही है, कोई बंदा है जो गाड़ी चला रहा है, वो चला रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, है ना, 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है ना, और उसको रोड खाली दिखा पर, तो उसने क्या कर दी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दी, कर दी। तो चेंज कितना आया उसकी स्पीड में, उसकी स्पीड में चेंज आया, तो चेंज को हम बोलेंगे डेल, है ना। चेंज आया उसका 30 किलोमीटर पर आवर का चेंज आ गया, चेंज कितना आया 30 किलोमीटर पर आवर का चेंज आ गया, उसकी स्पीड बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, है ना। तो कुछ समझ में आ रहा है, डी और डेल समझ में आ रहा है थोड़ा सा, हाँ जी समझ में आ रहा है, डेल डेल और डी समझ में आ रहा है, डेल और डी समझ में आ गई, है ना। तो अगर एक्स चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा, है ना, और अगर एक्स में छोटा चेंज आएगा तो वाई में भी क्या आएगा, छोटा चेंज आएगा, हाँ एक्स में छोटा चेंज आएगा तो वाई में भी छोटा चेंज आएगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने ऐसे लिख दिया ना कि आपको बोल रहे हैं कि डिफरेंशियल करना है किसको, टी की पावर एन को, कुछ भी टी है ना, टी टाइम नहीं है, होता टी कुछ और हो, हाँ कुछ पता नहीं है, टी वेरिएबल है, टी एक वेरिएबल है ना। तो टी चेंज हो रहा है, टी की पावर एन, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के ही रेस्पेक्ट में। यहां पे चेंज क्या देख रहे हैं हम, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है यहां पर हम ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू, या कुछ भी यहाँ पे फंक्शन लिखो, है ना, फंक्शन लिखो यहाँ पर, बिना वहाँ टू लिखोगे कन्फ्यूज हो गया ना, फंक्शन, है ना, वाई फंक्शन है इसका, एक्स का फंक्शन का मतलब यही है कि अगर ये बदलेगा तो ये बदलेगा, फंक्शन का मतलब ये होता है ना, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी थी अभी वही वाली चीज़ है ना। तो फंक्शन ऑफ एक्स, वाई फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, इसको ऐसे पढ़ेंगे, वाई फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स चेंज होगा तो वाई चेंज होगा, है ना, और ये है फंक्शन, तो इसके हिसाब से चेंज होगा। जैसे मैंने यहाँ पर टू लिखा था ना, तो
अगर x में एक का चेंज आएगा तो y में आधे का चेंज आएगा, x में दो का चेंज आएगा तो y में एक का चेंज आएगा, है ना। तो अगर मैंने यहाँ 2 लिखा था तो 2 मैंने यहाँ पर लिखा था तो मतलब था कि x में अगर दो का चेंज आएगा तो y में एक का चेंज आएगा, है ना। तो ये मतलब था, है ना। कैसे मतलब था ये देखो जरा, पिछले वाली क्वेश्चन मैंने क्या लिखी थी, मैं बता देता हूँ, है ना, उसको 2x लिखा था, ऐसे लिखा था ना मैंने, है ना, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि अगर y में चेंज आएगा दो का तो x में चेंज आएगा एक का, है ना, सिंपल सी बात, है ना, समझ आ रही बात थोड़ी बहुत। तो चेंज चेंज का पढ़ना को ही बोलते हैं डिफरेंशियल, है ना, चेंज पढ़ेंगे ना, डिफरेंस पढ़ेंगे यहाँ पर, डिफरेंस डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल में क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ेंगे, चेंज पढ़ेंगे, है ना, चेंज पढ़ेंगे बस। लेकिन यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम बस बहुत सिंपल चीज़ें कर रहे हैं ना, यहाँ पर तो हम ये कर ही नहीं रहे कि वाई का एक्स के साथ डिफरेंशियल या एक्स का वाई के साथ डिफरेंशियल, ऐसा कर ही नहीं रहे। हम बोल रहे हैं टाइम को ही, इसी को टी को, ये टाइम टाइम भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है ना, अभी कुछ भी पता नहीं है ना, टी एक वेरिएबल है मान लो, तो टी पावर एन इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के ही रिस्पेक्ट में, है ना, मतलब टी के ही रिस्पेक्ट में, तो इसको रिस्पेक्ट, इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में। ये तो वैसी बात हो गई कि भैया डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, ऐसे भी तो देख सकते हो कि एक्स को एक्स को क्या करना है, इस चीज़ को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, कि भैया ये एक्स के ही साथ कैसे चेंज हो रहा है ना। तो सब कुछ हटाते हैं, है ना, और फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल देखते हैं, फॉर्मूला समझ लो थोड़ा सा, है ना। तो इन्होंने क्या लिखा है, डी बाई डी टी को डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, टी की पावर एन को, है ना, टी की पावर एन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या बोला इन्होंने कि टी की पावर एन है ना ऐसे, तो इसको डी डी टी के साथ डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी टी के साथ, है ना। तो आप क्या कर दोगे, आप पहले जो पावर है उसको बाहर लिख दो ऐसे करके, है ना, उसको नंबर बना दो ऐसे करके, पावर को बड़ा कर लिख दो बाहर, है ना, उसके बाद टी को टी रहने दो, और पावर में से डिफरेंशियल पढ़ लेना तो माइनस कर दो वन डिफरेंस, है ना, माइनस कर दो वन, तो ये हो गया डिफरेंशियल सिंपल सा टी की पावर एन का, है ना। क्वेश्चन, हाँ जी, तो देखो ये तीन दी मैं, है ना, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, है ना, करते जाएंगे अभी, है ना, और भी करते जाएंगे, है ना। तो अब जरा इसको करके देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। तो उसने क्या बोला था, उसने बोला था जो भी पावर है उसको बाहर निकाल के रख दो, है ना, पावर क्या है इसके ऊपर वन, तो वन बड़ा करके ऐसे लिख दो वन, है ना। अब टी के ऊपर पावर क्या है, टी के ऊपर पावर है वन, है नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर पावर नहीं होती मतलब क्या, उसके ऊपर पावर वन है, है ना, टू के, ये टू ऐसे लिख दिया मैंने, टू का मतलब क्या है कि टू पर पावर वन है, जब भी तो ये टू है, अगर टू के पावर जीरो हो जाएगी तो ये वन हो जाएगा, है ना, टू लिखा हुआ है मतलब ही क्या है कि उसके ऊपर पावर वन है, है ना। तो कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है, कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है तो उसके ऊपर पावर वन है, है ना, तो टी के ऊपर पावर वन है, क्या कर देना है, माइनस वन कर देना है, माइनस वन क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, वन टी पे पावर जीरो, है ना, और टी पे पावर जीरो मतलब वन, तो क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशियल, वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी बाई डी टी, है ना, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, समझ आ रहा है, क्यों, क्योंकि पावर को निकाल लिया और पावर में से माइनस कर दिया वन, सिंपल। वैसे यहाँ पर भी क्या करना है, पावर निकालो, पावर निकाल ली बाहर और पावर में से माइनस कर दो वन, है ना, तो टी टू है पावर, माइनस कर दो वन, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू टी बस, है ना। अब टी रखो, यहाँ पे टी लिखो है मतलब क्या है कि टी पे पावर वन है, है ना, मतलब यही है। अच्छा इसको करके देखो, इसको करके देखो, वीडियो रोको और इसको करके देखो, है ना, वीडियो रोको इसको करके देखो, है ना, इसको कर पाते नहीं कर पाते, है ना, अब देख लो जरा इसको, है ना, प्रैक्टिस कर लेना एक बार, है ना, अब देख लो, है ना, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, है ना, सीख लेंगे, है ना। क्या कर देता हूँ मैं इसको, ऐसे कर देता हूँ ना, आसानी के लिए मैं डी बाई डी टी इसको टी को मैं ऊपर ले आता हूँ, टी पे पावर क्या होगी यहाँ पर, वन होगी, है ना, जब इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो टी पे पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, टी पे पावर माइनस वन, क्या हो जाएगी, टी पे पावर माइनस वन हो जाएगी, है ना। अब कर दो डिफरेंशियल, है ना, सिंपल कर लिया हमने इसको, ऊपर लिया, आसान सा हो गया थोड़ा सा, है ना, थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, जो बाकी सारे थे वैसे लग रहा है ना, लेकिन पावर माइनस वन है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। क्या हो जाएगा, पावर को पहले बाहर निकालना है, बाहर निकाल लिया, है ना, टी के ऊपर पावर कितनी है, माइनस वन, इसमें से क्या कर देना है, माइनस वन कर देना, कर दो माइनस वन, माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू, कितना हो जाएगा ये,
माइनस वन टी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस टू, पावर माइनस टू है ना। और क्या लिख दूंगा इसको, कैसे कर सकता हूँ इसको मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या मालूम, मतलब बताओ, इसको मैं दोबारा से नीचे भेज दूँ, भेज सकता हूँ क्या, ऐसे कर सकता हूँ, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया डिफरेंशियल, समझो हो गया डिफरेंशियल, नहीं दिख रहा है, बताया करो यार, नहीं दिखा करे तो हैं ऐसी बातें करते हो, ये देखो अब दिख रहा है, बता दिया करो ना वहीं से, वीडियो से अंदर से बोल दिया करो कि सर दिख नहीं रहा है ना, मैं सही कर दूंगा इसको है ना, बता दे रही हूँ तुम है ना, दिख रहा है, तो ये हो गया, और दे दो मैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो, करके दिखाओ प्रैक्टिस है ना, करो, अरे करो, आवाज आवाज पर ध्यान मत दिया करो है ना, कैसी आवाज आ रही है ना, करके दिखाओ क्या ये डी बाई डी टी सेम क्वेश्चन है ना, लेकिन क्या ले लिया है यहाँ पर, ले लिया वन अपॉन टी टी स्क्वायर, यहाँ ले लिया वन अपॉन, यहाँ पर क्वेश्चन लिया, यहाँ पर ले लिया रूट टी है ना, यहाँ पर ले लिया वन अपॉन रूट टी, करके दिखाओ, कर दोगे क्या, या करके दिखाऊँ है ना, वीडियो रोको करके देखो है ना, वीडियो रोको करके देखो है ना, हो जाएगा बहुत आराम से हो जाएगा, देखो देखो ज़रा क्या कर सकता हूँ इसको मैं, इसको मैं सिंपल वही कर देता हूँ जो मैंने पहले किया था ना, कि डी बाई डी टी, और मैं इसको क्या कर लिया, उल्टा कर दिया है ना, इसको मैं ऊपर लिया उठा के है ना, तो क्या कर दूंगा पावर को, पावर प्लस की जगह क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, पावर प्लस की जगह माइनस हो जाएगी है ना, ऐसा हो गया। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, उसके बाद कुछ नहीं है, पावर को बाहर निकाल लो, लो निकाल लिया, उसके बाद पावर में से वन माइनस कर दो, लो कर देते हैं, पावर है माइनस टू, इसमें से माइनस कर दो वन, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, कितना आ गया माइनस टू, माइनस टू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो टी पे माइनस का थ्री है ना, ये हो गया, इसमें क्या था है ना, माइनस टू ऊपर ही रहने दो, और नीचे के लिए आओ, इसको नीचे लाओगे अगर टी को, इसकी पावर प्लस करने के लिए, या फिर ऐसे भी रख सकते हो, तो ये भी आंसर है ना, ये भी हो सकता है आंसर, हो सकता है ऑप्शन में ये हो आंसर, लेकिन हो सकता है कि वो इस तरह से लिख दे कि टी की पावर को प्लस में लिख दे, प्लस करने के लिए क्या करोगे, इसको नीचे ले आओगे है ना, तो क्या लिखूंगा, टी की पावर थ्री, सिंपल टी की पावर थ्री है ना, आंसर ये भी हो सकता है ना, ऊपर था टी माइनस थ्री, नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगा है ना, ऐसे कर सकते हैं, और करो अगले वाले, ये वाला देख लो ना, ये वाला देख लो, ये थोड़ा सा शायद हो सकता है डिफिकल्ट लगे ना, है कुछ नहीं इसमें भी है ना, देखो डी ओवर डी टी, टी की टी पे रूट है, रूट मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, अभी रूट का मतलब होता है पावर हाफ, कभी देखा ऐसा कुछ कि एक्स समथिंग स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फलाना दिमाग लिखा हुआ है कुछ है ना, तो स्क्वायर इधर फेंकते हो है ना, तो क्या हो जाता है, वो रूट बन जाता है, स्क्वायर उधर फेंकते हो इक्वल टू के, तो रूट बन जाता है ना, यानी कि स्क्वायर मतलब दो पावर और रूट मतलब आधी पावर है ना, जब भी तो वो उधर जाके रिवर्स हो रहा है ना, तो ये जो पावर दिख रही है ना यहाँ पर, ये जो पावर दिख रही है, रूट क्या है, सिंपल ऐसा है ना, पावर दिख रही है, पावर इधर जाएगी तो ये यहाँ पर जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर पावर उल्टी लग जाएगी है ना, यहाँ पर टू है, वहाँ पर वन बाई टू हो जाएगी है ना, तो उसी को बोलते हैं रूट, वन बाई टू पावर को ही बोलते हैं क्या, रूट, पता होगा है ना बात, नहीं पता तो बता दिया मैंने है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे टी पे पावर हाफ, लिख सकता हूँ टी पे पावर हाफ है ना, लिख दिया मैंने, फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना है, पावर को बाहर निकाल लो, फॉर्मूले के हिसाब से पावर बाहर निकाल लिया है ना, ये एन पावर ही तो था है ना, ये देखो पावर था है ना, एन बाहर निकाल लिया, फिर एन वैसे बने कर दो है ना, एन बाहर निकाल लिया, टी वैसे का वैसे रख दिया, और टी में से टी के ऊपर क्या पावर हाफ, हाफ में क्या कर दो माइनस वन, क्या कर दिया माइनस वन, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हाफ प्लस हाफ माइनस वन, क्या करोगे क्या आ जाएगा माइनस हाफ, क्या आ जाएगा माइनस हाफ, टी माइनस हाफ माइनस हाफ है ना, वन बाई टू टी माइनस हाफ, अच्छा इसको प्लस कर सकते हो क्या, पावर को, पावर को प्लस कर सकते हो, कर सकते हो बताओ, कर सकते हो क्या, देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, वन अपॉन टू टी को नीचे ले आओ है ना, ये आ गया टी नीचे, तो पावर क्या हो जाएगी हाफ माइनस हाफ नहीं हाफ है ना, और हाफ मतलब रूट, समझ मेरी बात नहीं आ रही समझ, हाफ टी पे पावर हाफ है ना, माइनस हाफ है ना, इसको जब नीचे लेकर आओगे टी को
टी को जब नीचे लेकर आओगे तो पावर कितनी हो जाएगी, प्लस हाफ। और प्लस हाफ मतलब यही तो था प्लस हाफ, इसको हमने प्लस हाफ ही तो लिखा था है ना, यानी कि रूट टी वन अपॉन टू रूट टी, वन अपॉन टू रूट टी आंसर हो गया इसका है ना। इसको कर सक कर दोगे अब है ना, कर दोगे है ना, करो उसको, हो जाएगा नहीं हो जाएगा है ना, हो गया होगा है ना। अब मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल सिंपल एग्जांपल मैंने मुश्किल वाली करा दी है। देखो जी ये दोनों तो हो जाएंगे, खटाक से होने चाहिए ना ये दोनों, नहीं हो रहे खटाक से तो मुझे बताओ क्यों नहीं हो रहे खटाक से है ना। ये दोनों खटाक से होने चाहिए है ना, कैसे होने चाहिए, खटाक से है ना, हो जाने चाहिए, हो गए होंगे मुझे लगता भी है ना, देखते ही हो जाएंगे है ना, कर लोगे इन दोनों को। अच्छा ये देखो ऐसा क्वेश्चन आता है क्या है ना, इफ वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर वाई टी स्क्वायर है तो कैलकुलेट कर सकते हो डी वाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते, करके देखो उसको है ना, कौन कौन कर सकता है करके देखो। आहा हा प्रकाश आ गया प्रकाश है ना, अरे हो गया नहीं हुआ, हो गया नहीं हुआ, अरे हुआ नहीं हुआ, देखो जरा सिंपल है यार, कुछ नहीं है ना, डी बाई डी वाई बाई डी टी बोलना निकालना आपको। तो आप बोलोगे अच्छा, तो आप बोलोगे हमें वाई तो मालूम है ना, वाई क्या है टी स्क्वायर धर दो है ना, तो डी वाई डी टी ये तो ऐसे ही कैसे लिख दिया, और वाई की जगह क्या लिख दूंगा मैं टी स्क्वायर। ओ अब क्या अच्छा इसमें कुछ बचा इसमें अब है ना, टू बाहर निकाल लो, टी पे पावर जितनी है उसको माइनस वन कर दो, तो टू पे पावर टी के ऊपर पावर है टू, माइनस करोगे वन तो कितना बचेगा वन, यानी कि टी। ओ इसमें क्या था, इसमें तो कुछ भी नहीं था है ना, मेरा बात नहीं हो हमसे, चले है ना। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो है ना, और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बताओ, और क्वेश्चन तुम अपने भी प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारे पास भी हो सकती है ना हाँ, कोई बुक उठाओ उसमें जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर सारे लगा दो आज ही है ना, सारे आज ही लगा दो है ना, फिर बात करते हैं अगली वीडियो में अगले फॉर्मूले के साथ।